हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। तो दोस्तों, जो आज का हमारा नेमिंग रिएक्शन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत से मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड रिएक्शन आपको दे देगा, पूछ सकता है कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, या फिर हाफ रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब आप इसे जान लोगे बढ़िया से, मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा, तो आप वहाँ पे कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ओके। तो आपने अगर इसको समझना है बढ़िया से, तो आपको इसके लिए पहले वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन समझना होगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और देखना आपके लिए कंपलसरी, क्योंकि अगर आप वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को नहीं समझोगे, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो कि इन दोनों का कंबाइनिंग होता है, इसको आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इन दोनों को कंबाइन को करके बनाया गया है, इसलिए आप पहले जब वो वीडियो देखो, वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन अलग अलग हैं एक ही वीडियो में, उन दोनों को क्लियर करो, फिर इसको देखो, तो आप इजीली इसको समझ जाओगे कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में किया क्या जाता है। ये बहुत छोटा रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म 1% भी नहीं है, समझने में तुरंत समझ जाओगे, आप रिएक्शन में ही आप समझ जाओगे। मैकेनिज्म इसका कोई अलग से, कोई उसमें अलग अलग स्टेप फॉलो नहीं किए गए हैं। तो हमारा वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता क्या है? तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि हमारा इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड को कंबाइन करते हैं और Na के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके उपस्थिति में, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। व्हाई ड्राई ईथर? बिकॉज वी यूज इन इट रिएक्शन अ सोडियम मेटल, ओके। तो सोडियम मेटल का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम ड्राई ईथर को सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। और हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ये बना लेता हमारा एल्किल एरीन और सोडियम हैलाइड, ठीक। अब इसको जानते हैं रिएक्शन के थ्रू हम, तो रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, देखो क्या क्या बोला था इसमें, हम वुड जो हमारा वुड रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या लेते थे, एल्किल हैलाइड लेते थे, और फिटिंग रिएक्शन में एरीन हैलाइड। यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गए हैं, एल्किल हैलाइड एरीन हैलाइड एक साथ लेना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं अपना एल्किल हैलाइड, मतलब RX, एल्किल हैलाइड ले लिया, अब लेना है एरीन हैलाइड। एरीन हैलाइड मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसके ऊपर, जिससे हैलोजन जुड़ा हो। तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड हम ले लेते हैं बेंजीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड जिन कंपाउंड से कोई स्पेशल एरोमा निकलती है, क्लियर हुआ? बेंजीन स्पेशल एरोमा से निकलती है। अब स्पेशल एरोमा मतलब क्या? स्पेशल एरोमा मतलब फ्लेवर्ड खुशबू, कोई भी मतलब खुशबू सुगंध निकलती हो, ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं। एरोमा मतलब खुशबू सुगंध होता है, ठीक। अब इससे क्या होता है, हैलोजन हमारा जुड़ा है, और क्या करना है, कंबाइन हुए और ले लेना है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल लिया और क्या करना है, रिएक्शन कराना है। सॉल्वेंट के केस में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर जब हमारा सॉल्वेंट ले ले रहे हैं, तो क्या होगा, अब ये दोनों हमारे करेंगे क्या, ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म कोई अलग से नहीं है, इसी में छुपा हुआ है। क्या करेंगे, ये हमारा जो हैलोजन है, ये हैलोजन और ये हैलोजन, ये चले जाएंगे सोडियम के पास, क्योंकि हैलोजन पे क्या होता है हमारा, माइनस चार्ज होता है, और हमारा सोडियम पे जो होगा वो प्लस चार्ज होगा, इसलिए ये अट्रैक्ट होकर खींचेगा अपने आप, सोडियम जो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, और हैलोजन जितने हैं चले जाएंगे सोडियम के पास, चिपक जाएंगे परमानेंटली। हैलोजन चले गए, अब बाकी बचा ये हमारा एल्किल और ये बचा एरीन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एल्किल एरीन जुड़ जाएंगे, कैसे, इस तरीके से, जो ये हो गया बेंजीन एरीन और एल्किल यहाँ पे जुड़ेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल एरीन। इधर लिखता हूँ एल्किल एरीन, ये हमारा हो गया एल्किल एरीन, और प्लस क्या कर लेगा, दो यूनिट है सोडियम का और दो यूनिट है यहाँ पे हैलोजन का, इसको अगर कंबाइन करके लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NaX, ठीक। ये हो गया हमारा कंबाइन, इसको करके लिख सकते हो आप, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे दो दो मिल गए सबके, ये दोनों हमारे एल्किल चला गया एरीन के पास, हैलोजन चला गए,
माइनस जो थे हमारा एनायन जुड़ गए किससे, कैटायन के पास, सोडियम हैलाइड बना लिया, ये बन गया सोडियम हैलाइड। और ये हमारा हो गया एल्किल एरिन। तो ये था हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बहुत ही छोटा नेमिंग रिएक्शन के इतिहास में सबसे छोटा रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसे आप देखते कहां हो या फिर कहां देखा होगा, 12th में से देखा होगा, ऑर्गेनिक में देखा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, 11th में होगा इसका हल्का फुल्का, और उसके बाद आगे के जितने कोर्सेज हैं उसमें भी ये रहता है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंडर में से आप नोट करोगे। ठीक है, तो अगर नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हो गया होगा क्लियर। तो ये था हमारा वुड फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पे क्लियर हो गया सर। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हम नेमिंग रिएक्शन को यहीं पे अभी रोकते हैं फिलहाल, और भी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट दो चार हैं, अभी इसको यहीं रोकते हैं, पढ़ते हैं कुछ अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। हमारा जो अगला वीडियो होगा अब इनऑर्गेनिक से चलेगा, जो जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हम लेकर आएंगे अपने इस चैनल पर अपने वीडियो में नेक्स्ट। चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा।